नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने मनपा आयुक्त संजय काटकर को चेतावनी दी है कि 31 अगस्त से पहले अगर काम नहीं होता है तो 5 सितंबर से उनके दालन में वो आंदोलन करेंगे। वहीं पर मनपा के आयुक्त संजय काटकर ने आश्वासन दिया है कि वो 31 अगस्त से पहले इसका काम करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके का काम अभी अंदर चल रहा है उससे संभव नहीं है कि 1 से 1.5 महीने में इस तरीके का काम होगा। जिस तरीके के वादे इरादे अब तक का संजय काटकर ने किया है पूरी तरीके से फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ही अब तक का कई वादे किए, इतना ही नहीं उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रॉमिस किया था कि वो तो इसी वर्ष में अगस्त के पहले पहले इसका उद्घाटन कर देंगे और पूरी तरीके से बन जाएगा। आप देख सकते हैं बाहर का हो चाहे अंदर का हो, इंटीरियर अभी बहुत बाकी है। नीचे फ्लोरिंग हुई है, अंदर भी पूरी तरीके से काम बचा हुआ है, कलरिंग नहीं है। आपको बता दें इंटीरियर का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उसमें लगभग साल भर भी लग सकता है, लेकिन विधानसभा के चुनाव के मद्देनज़र और लगातार जब से विधायक बने तब से उनका सपना था बाला साहब कलादान केंद्र बनाने का सरनाईक का, उसे वो शुरू करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं मनपा प्रशासन उनके इस कदम पर उन्हें कितना साथ देता है और 31 अगस्त तक क्या ये काम शुरू होता है या फिर 31 अगस्त के पहले काम घटिया किस्म का करके इसे शुरू कर दिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे कला दालन का निर्माण बहुत जोरों से मीरा भाईंदर के इस गोल्डन एज परिसर में हो रहा है और आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 6-7 सालों से मैं ये जल्दी से जल्दी वास्तु होनी चाहिए इसलिए शासन के पीछे था, साथ ही में हमारे महापालिका प्रशासन के पीछे लग रहा था और वास्तु तो ये अभी करीबन बहुत बड़े पैमाने पर 70% काम इसका हो गया, मगर चौथी बार अभी साइट विजिट जब भी कर रहा तो टाइम के ऊपर टाइम प्रशासन के माध्यम से मिल रहा था, कुछ कमियां कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से थी, कुछ कमियां डिज़ाइन के माध्यम से थी, कुछ कमियां कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से बड़े पैमाने पे हो रही थे। तो उसके ऊपर हमारे कमिश्नर साहब है संजय काटकर जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया और जल्दी से जल्दी ये वास्तु कैसी पूरी होगी इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही मीटिंग्स ले रहे हैं और साथ ही में अभी उन्होंने मुझे आखिरी का वायदा किया है क्योंकि 30 अगस्त तक ये वास्तु पूरी हो जाएगी, वो उनका वायदा है क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी भी यहाँ पे आके गए जब ये वास्तु का निर्माण हो रहा था तो उन्होंने भी प्रशंसा की कि बहुत भव्य और अच्छी वास्तु इस शहर के लिए हो रही है, बहुत बड़ा योगदान होगा इस वास्तु का। और आप जानते हो कि राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं जब भी उनके पीछे लग रहा था तो पहले तो नगर विकास मंत्री थे, तभी ये आरक्षण बदल के हमने इस पर ये वास्तु का जो 37 की प्रक्रिया थी वो पूरी करके वास्तु का प्लान सैंक्शन कर लिया क्योंकि ये ग्रीन जोन में था पूरा ही, यानी रिजर्वेशन था यहाँ पे प्लेग्राउंड का और गार्डन का। तो ये नगर विकास मंत्री के तौर पर भी उन्होंने मदद की थी और बाद में करीबन 50 करोड़ से ज़्यादा की निधि राज्य शासन के माध्यम से उपलब्ध करके दी, कुछ हमारे महानगर पालिका के निधि से कुछ निधि दी गई है, हमारे यहाँ के सभी कॉरपोरेटर जो लोकल कॉरपोरेटर है 4 के 4 उन्होंने अपनी निधि दी, हमारे विधायक निधि से कुछ फंड दिया गया है। तो ये सब मिलके ये स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के नाम की एक बहुत ही अच्छी और सुंदर वास्तु अभी निर्माण होने जा रही है। जिस वक्त मुझे कमिश्नर साहब ने टाइम दिया कि 31 अगस्त तक ये वास्तु मैं पूरी करूँगा और लोकार्पण उसका हो जाना चाहिए, तो मैंने एक ही कहा है या तो मैं मुख्यमंत्री जी से 5 तारीख का टाइम लेता हूँ ताकि उनके हाथों से इसका उद्घाटन किया जाए लोकार्पण किया जाए, या तो मैं 5 तारीख को आपके दालन में उपोषण के लिए बैठ जाऊँ, दो में से एक तो चीज़ होनी चाहिए क्योंकि आखिरी वायदों के ऊपर वायदे होते हैं। तो ये चौथा वायदा जो है उनके माध्यम से नहीं हुआ क्योंकि संजय काटकर आने के बाद ये दूसरी बार हम लोग ने साइट विजिट की है, मगर उसके पहले भी कमिश्नर ने हमें वायदे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए कुछ तकलीफ की वजह से, मगर निधि की कोई कमी नहीं। जिस वक्त खांबी साहब सिटी इंजीनियर के तौर पे इस बारे में बोलते हैं कि निधि की कमी है तो मैं तुरंत राज्य शासन से जाके मुख्यमंत्री जी को मांग करता हूँ और निधि पूरी की जाती क्योंकि 100 करोड़ के आसपास ये वास्तु बनने जा रही है, उसके लिए निधि की कमी कोई नहीं है, सिर्फ काम जल्दी होना चाहिए और उसके पीछे हम लोग लगे हैं। और अभी 31 अगस्त का डेडलाइन आयुक्त साहब ने दिया है, या तो
5 सितंबर मुख्यमंत्री के हाथों से इसका लोकार्पण होगा या 5 सितंबर को प्रताप सरनाईक महानगर पालिका में आयुक्त के दालन में बैठ जाएंगे? दो में से एक तो चीज होती है, तो अंतिम निर्णय निश्चित रूप से आगे के 36 दिनों में हो जाएगा। और काटकर साहब ने अगर बोला है तो मुझे लगता है कि मुझे उपोषण की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अच्छा लोगों जो चीज़ है वो लोकार्पण होने के अभी टाइम आ गया, क्योंकि अगर 5 सितंबर तक ये नहीं करेंगे फिर गणेशोत्सव है, गणेशोत्सव के बाद में आचार संहिता लग जाएगी, फिर हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये डेडलाइन आखिरी डेडलाइन है, तो मैं कोशिश जो कर रही है प्रशासन उनकी प्रशंसा करता हूँ और निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी, ऐसे मुझे खात्री है। सर बाला साहब के जन्मदिन पर ओपनिंग होगी, बाला साहब के जयंती पे ओपनिंग होगी, मुख्यमंत्री को वादा किया गया, उसके बावजूद फिर वादे पे वादे आज भी अधूरा है, और फिर आपने 5 सितंबर की डेडलाइन दी, क्या संभव है 5 सितंबर तक का बनना? इंटीरियर का काम कुछ भी नहीं है अभी तक। अभी तो ये चीज मैंने दिन की गिनती अभी चालू की, महीने की गिनती नहीं है, पहले हम महीनों में 6 महीने में पूरा हो जाएगा, 1 साल में पूरा हो जाएगा, 1.5 साल में पूरा हो जाएगा ऐसा कहते थे, अभी तो दिन की गिनती चालू हो गई, 36 डेज अभी बाकी और 36 दिनों में हमें ये वास्तु पूरी करनी है। आयुक्त साहब ने हमें 31 अगस्त दिया, मगर मैंने और 5 दिन एक्स्ट्रा दिए ताकि मैं मुख्यमंत्री जी से टाइम ले सकूँ इस जो वास्तु है उसके उद्घाटन के लिए, और कुछ कमियाँ होती है, कुछ देरियाँ होती है, मैंने पहले ही आपको कहा था कि इसके पहले जैसे कोर्ट में बोला जाता है तारीख पे तारीख, वैसी तारीख पे तारीख आ गई है, मगर मैं अभी संजय काटकर जी ने जो अंतिम निर्णय और अंतिम तारीख मुझे दी है तो मुझे लगता है कि ये 35-36 दिन में पूरा कर देंगे। विधानसभा क्षेत्र के सम्माननीय विधायक श्री प्रताप सरनाईक साहब, इन्होंने अभी जो स्टेटमेंट किया है उससे मैं सहमत हूँ। बाला साहब ठाकरे ये महाराष्ट्र का श्रद्धा स्थान है और वो श्रद्धा स्थान को जनमानस में के सामने रखने के लिए ये जो प्रयास महापालिका कर रही है उस प्रयास का ये आखिरी पड़ाव है। इस मुकाम तक आने के लिए आमदार सरनाईक साहब हो, सम्मानीय मुख्यमंत्री नामदार एकनाथ राव जी शिंदे सर हो, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनके माध्यम से ही ये काम हो रहा है। और हमने जो इस काम के 3 कॉन्ट्रैक्ट निकाले थे पहले इसका बेसमेंट का था, बाद में बिल्डिंग का था, और लास्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट निकाला है वो लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट ये इंटीरियर का, और कुछ जीवन चरित्र के बारे में जो बाला साहब के चीज़ें हैं उसके बारे में है। तो ये हमने जो 31 अगस्त की जो लाइन डेडलाइन सेट की है वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत है और 31 तारीख तक ये काम खत्म होना चाहिए। मैं सम्मान्य आमदार साहब के माध्यम से गुजारिश करूँगा कि वो मुख्यमंत्री साहब की अगर 5 सितंबर की तारीख ले लेते हैं तो उस दिन इसका लोकार्पण भी हम कर पाएंगे। शुक्रिया। तारीख पे तारीख, दौरे पर दौरा, आश्वासन पे आश्वासन। आपको बता दें बाला साहब कलादान अब तक का बना नहीं है और प्रशासन की तरफ से इन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। आज मीरा भाईंदर के एमएलए प्रताप सरनाईक यहाँ पर दौरे पर आए थे, आज उनका 5वां दौरा था, और आपको बता दें उन्होंने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो आयुक्त है संजय काटकर को, उनको उन्होंने चेतावनी दी है कि 31 अगस्त तक अगर ये कला दालन का इनॉग्रेशन नहीं होता है तो 5 सितंबर को वो उनके कार्यालय पर बैठकर आंदोलन करेंगे। आप देखना ये है कि आने वाले समय में 31 अगस्त को इसका इनॉग्रेशन होता है या नहीं, या फिर एमएलए प्रताप सरनाईक को आंदोलन पर बैठना पड़ेगा उनके कार्यालय पर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और जिस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है वो काम अगर सही से नहीं हुआ तो प्रशासन उसमें किस तरीके की कार्रवाई करती है कॉन्ट्रैक्टर पे, ठेकेदारों पर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदार और शकील शेख के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।